मुझे आज भी अच्छे से याद है जब 2013 में 8 अप्रैल को टॉल्फ जिगलर ने अपना मनी इन द बैंक को कैश इन किया था एल्बर्टो डेल रियो के ऊपर। क्या गजब का पॉप था। मतलब शॉन माइकल्स को लोग उस तरीके का पॉप दिया करते थे, दी अंडरटेकर को पॉप देते थे, लेकिन जिस तरीके से टॉल्फ जिगलर को सपोर्ट किया था ना, उस दिन लोगों ने मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि भाई टॉल्फ जिगलर एक कंपनी के लिए कितने बेहतरीन सुपरस्टार हैं, कितने बेहतरीन एसेट हैं। लेकिन अगर सच में रियलिटी बोलूँ ना, खुद डॉल्फ जिगलर को चैंपियन इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि उनके अंदर उतनी काबिलियत थी। डॉल्फ जिगलर को इसलिए चैंपियन बनाया गया था कि उस टाइम पे कंपनी के पास उतने सुपर स्टार्स नहीं थे और बाकी की भी कुछ कंडीशन है, उसके बारे में इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद 2017-18 के बाद डॉल्फ जिगलर का करियर इतना बेकार कैसे हो गया, डॉल्फ जिगलर का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो अगर रेसलिंग के रियल फैन हो, डॉल्फ जिगलर के अगर फैन हो, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। डॉल्फ जिगलर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में कोई बनाएगा। तो हाँ, इस चैनल में आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर ठोकना अगर ऐसी वीडियोस आपको देखने पसंद है। तो अब देखो, अगर डॉल्फ जिगलर के मैचेस आप देखोगे ना ध्यान से, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो दूसरा रेफलर है जब डॉल्फ जिगलर को पीटता है ना, तो डॉल्फ जिगलर उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। मतलब डॉल्फ जिगलर एक मूव्स को सेल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सेलर माने जाते हैं। कंपनी में बहुत ही कम ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि सेल करना इतना अच्छे से जानते हैं। अब देखो, केन का चोक स्लैम, दी अंडरटेकर का चोक स्लैम सर्च करके देखना। अगर जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर को जब चोक स्लैम लगता है ना, तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो कुछ उसी तरीके से डॉल्फ जिगलर भी हैं। कोई भी मूव्स अगर डॉल्फ जिगलर को पड़ती है ना, तो भाई वो उसको उस तरीके से सेल करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब यार मूव बहुत ही अच्छी है। डॉल्फ जिगलर अपने ओपोनेंट को बहुत ही बेहतरीन बना देते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गोल्डबर्ग वर्सेस डॉल्फ जिगलर का मैच। आप देखो, भले ही वो मैच 1 या 2 मिनट का रहा हो, लेकिन वो मैच मेरे को एकदम क्लासिक लगता है, एकदम परफेक्ट लगता है। उसका सबसे बड़ा एक रीज़न है, देखो गोल्डबर्ग मूव्स मारने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाने जाते हैं। मतलब स्पीयर गोल्डबर्ग से अच्छा कोई मार नहीं सकता। और फिर अगर डॉल्फ जिगलर का कॉम्बिनेशन बना दो, स्पीयर अच्छे तरीके से खाने वाला एक सुपरस्टार हो, तो भाई मैच को देखने में ही मज़ा आ जाता है। अब देखो, 2013 में ना डॉल्फ जिगलर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे, और यहाँ पे मानो या ना मानो, WWE में बाकी के सुपरस्टार्स के कारण ही डॉल्फ जिगलर चैंपियन बने थे। क्योंकि देखो, उस वक्त एल्बर्टो डेल रियो को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर उस टाइम पे एलिगेशन लग चुके थे। तो यहाँ पे कंपनी देख रही थी कि भाई हम लोग एल्बर्टो डेल रियो को स्विच कर देते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने स्विच करके डॉल्फ जिगलर को चैंपियन बनाया। अब देखो, उस वक्त जॉन सीना ही केवल एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनको लोग पसंद करते थे, लेकिन जॉन सीना को भी लोग हेट करना शुरू कर दिए थे। रोमन रेंस उतने बेहतरीन सुपरस्टार नहीं थे उस वक्त, और शील्ड टूट गई थी, तो यहाँ पे भाई उन लोग का अलग ही सीन चल रहा था। अंडरटेकर की ब्रॉक लेसनर के साथ स्टोरी लाइन चल रही थी उस वक्त, 2014-2015 के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 2013 में ना डॉल्फ जिगलर का एक पीक आया था। वो पीक ऐसा था कि भाई उस टाइम पे जिस तरीके से उनको पॉप मिल रहा था ना, और सब वो अपने मैचेस में जिगजैग लगाते थे जो कि उनका सिग्नेचर मूव है, तो यहाँ पे लोग एकदम पागल हो जाया करते थे भाई। मतलब इतने बेहतरीन मूव्स थे उनके। अब देखो, अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के बाद डॉल्फ जिगलर ने जब अपनी चैंपियनशिप सेलिब्रेट की ना, वो एक मोमेंट था भाई, और खास करके डॉल्फ जिगलर के फैंस के लिए, डॉल्फ जिगलर के लिए। और उसके बाद फिर आपको एक सबसे बेहतरीन मैच याद होगा, अथॉरिटी वर्सेस टीम सीना, ये वाला अगर मैच आप लोगों ने देखा होगा। अब देखो, कंपनी डॉल्फ जिगलर के ऊपर कितना बड़ा भरोसा कर रही थी, उनको कितना बड़ा एक एसेट समझ रही थी कंपनी। यहाँ पे जॉन सीना एलिमिनेट हो जाते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे डॉल्फ जिगलर एलिमिनेट नहीं होते। मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन के भाई 15 से 20 मिनट तक वो बंदा टिका रहा, और उसने शायद तक 2 या 3 मेंबर्स को एलिमिनेट किया था, जिसमें से आई थिंक बिग शो और केन का नाम उसमें शामिल था। लास्ट में सेथ रॉलिंस को भी डॉल्फ जिगलर ने कैश इन किया था। और जहाँ पे मेरे को इस मैच में याद आता है कि भाई स्टिंग का रिटर्न हुआ था WWE में, तो वो वाला मैच बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक था। तो देखो, डॉल्फ जिगलर के करियर में ना गिरावट तब से देखने को मिलती है जब यहाँ पे भाई रोमन रेंस को कंपनी पुश करना शुरू करती है। यहाँ पे रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना तो ऑलमोस्ट जा चुके थे, तो 3 या 4 सुपरस्टार भाई आसपास ऐसे आते हैं। यहाँ पे डीन एम्ब्रोस का भी जमाना आ चुका था, सेथ रॉलिंस का जमाना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे डॉल्फ जिगलर के करियर में डिक्लाइन कब से शुरू होता है भाई, जब 2018 या 19 के बाद कंपनी डॉल्फ जिगलर को इग्नोर करना शुरू करती है। यहाँ पे अगर डॉल्फ जिगलर का सबसे लास्ट में बेस्ट मैच अगर आप याद करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली गोल्डबर्ग वर्सेस डॉल्फ जिगलर ही याद आएगा, उसके अलावा और कोई मैच आपको याद आएगा नहीं। और हाँ, क्योंकि डॉल्फ जिगलर ने उस मैच में अच्छा किया भी था। यहाँ पे उसका सबसे बढ़िया रीजन है ना कि वहाँ पे इनको गोल्डबर्ग मिल गए थे। अब देखो, डॉल्फ जिगलर की कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अच्छे अपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं इस वक्त में, और आई थिंक डॉल्फ जिगलर को टीवी टाइम भी उतना नहीं मिल रहा है। गोल्डबर्ग के बाद मेरे को लगता नहीं कि डॉल्फ जिगलर को उतने अच्छे सुपरस्टार मिले हों। और यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देना चाहता हूँ डॉल्फ
सिगलर का। तो अगर आप ऐसी उम्मीद करना भी नहीं कि भाई डॉल्फ सिगलर लाइफ में कभी भी आगे चैंपियन बनेंगे, मैं 110% बोल देता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि भाई शायद तक बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉल्फ सिगलर चैंपियन नहीं बनेंगे WWE में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ना कि 2013 में जब वो चैंपियन बने थे तो उसका कारण ये नहीं था कि डॉल्फ सिगलर इतने अच्छे थे, उसका कारण ये था कि कंपनी में उस वक्त इतने बेहतरीन सुपरस्टार थे नहीं। मतलब यहाँ पे WWE चैंपियन और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दो अलग अलग चैंपियनशिप थी। रैंडी ऑर्टन एक चैंपियनशिप को कैरी करना चाहते थे, वहाँ पे ब्रॉक लेसनर भी थे, जॉन सीना भी थे, फिर रोमन रेंस को तो भी बड़ा लेके आना चाहिए था। तो 2013 से 2015 के बीच में डॉल्फ सिगलर का एक वो समाना हुआ करता था। तो आई होप कुछ इस तरीके से डॉल्फ सिगलर के करियर को मैंने कवर किया है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस तरीके के डेडिकेटेड वीडियोस देखने पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई होप यू हैव अ नाइस डे।